ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दो सीटों के सौदों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता की सीडी वायरल हुई है, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। स्टिंग ऑपरेशन में हालांकि अभी नाम किसी का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही कांग्रेस आने वाले समय खुलासा भी करने की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ में एक सीडी कांड का पटाक्षेप हुआ भी नहीं था, फिर एक बार दूसरी सीडी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि ये सीडी कांग्रेसी के दो वरिष्ठों के स्टिंग ऑपरेशन की बताई जा रही है, जिसमें दो सीटों में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यतः स्टिंग ऑपरेशन 52 मिनट का है, जो चार भागों में है। जी भैया, क्या बोलना है? आप दो नाम दे दो, वो दोनों नाम से हम हेलो हेलो बोलता है। आप जो ये उसके लिए ये प्राथमिकता नहीं, कि दो नाम प्राथमिकता में, ये उससे संपर्क में करके बोल रहा है। अगर वो आपके पास कोई दो नाम है आप दे दो, तो वो उससे वो कर लेगा अपना इंतजाम। चलेगा उसको भी चलेगा। और खुद जी, आप खुद जी जैसे आप खुद जी बोल रहे हैं, राजकुमारी सिन्हा है या फिर अलाली यादव। सूत्रों के मुताबिक इस सीडी से छत्तीसगढ़ के कुछ प्रभावशाली कांग्रेस नेता संकट में आ सकते हैं। गौरतलब है कि करीब एक हफ्ता पहले से छत्तीसगढ़ के मीडिया और राजनीतिक हलकों में कोई नई सीडी आने की आहट सुनाई दे रही थी। आने वाले दिनों में इस संबंध में कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने खुलासा करने की बात कही है। शैलेश ने साफ तौर पर कहा है कि अब भाजपा अपनी विदाई से डर गई है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा से समाज का हर वर्ग, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, डॉक्टर, व्यापारी सब नाराज हैं। इसे देखते हुए भाजपा और भाजपा के सहयोगियों ने एक नई चाल चली है। हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पूरी तरीके से, उन्होंने कोई पार्टी विरोधी बात न कही है न की है, और सबसे बड़ी बात, इस मामले में दोषी सीडी की राजनीति राज्य बनने के समय से कर रहे, पहले कहूंगा सहयोगी और उसके बाद रमन सिंह जी जिम्मेदार हैं। श्री पप्पू फरिश्ता एक समाचार पत्र संस्थान के संपादक हैं, मालिक हैं, लेकिन वे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी में कोई भूमिका नहीं। वहीं कांग्रेस के आरोप को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है, बल्कि भाजपा ने कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए कहा कि ऐसी करतूत कांग्रेस आज नहीं वरन कई सालों से ठीक चुनाव के पहले ही करती है। लेकिन आम जनता को आज सब मालूम है, इसलिए कांग्रेस खुद को पहले देखे, उसके बाद भाजपा पर लांछन लगाए। सीडी 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 और आपका भी प्रश्न की एक नई सीडी आ गई है, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के संस्कृति को और संस्कार को ये कांग्रेस खत्म करना चाहती है। लगातार कितने लोगों का चरित्र हरण आखिर सत्ता में आने के लिए। कांग्रेस 15 सालों से सत्ता से दूर है और सत्ता को वो अपने खूनी पंजों से नोचना चाहती है, चरित्र हरण करना चाहती है। अभी तक तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात थी, अब प्रभारी की भी सीढ़ी। मैं समझता हूँ कि बापू दूरदर्शी थे, आज उनका जन्मदिन है बापू का, और बापू ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन के लिए बनी थी, राजनीति के लिए नहीं, और अब ये स्पष्ट हो रहा है कि बापू ने कितना सच कहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता सार्वजनिक क्षेत्र में राजनीति में जाने के योग्य नहीं रहे, और इन्हें क्षमा करना चाहिए छत्तीसगढ़ प्रदेश को, और इनके संस्कारों को अब और धूमिल नहीं करना चाहिए। आखिर कितना गिरेंगे ये लोग सत्ता के लिए? साजिशें तो ये पहले भी कह रहे थे कि वो सीडी कांड भी पहला सीडी कांड साजिश था, सच सामने आ गया। और आखिर ये गए थे दिल्ली के होटल में थे और उन्होंने स्वीकार कर लिया, आज कह रहे हैं साजिश। जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि ये कहीं उपलब्ध थे। सीडी के वायरल होने के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है, ऐसे में अब देखना है कि सीडी का जिन किस करवट बैठता है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।